कौन है राम जन्मभूमि का फैसला पलटने वाले और अयोध्या को मंदिर दिलवाने वाले असली नायक जिन्हें हम जानते भी नहीं। हम तो रिग्रेट नहीं करते, आई एम प्राउड ऑफ देम टू डू इट, क्योंकि वो तो एक नेशनल शेम था, इस देश के ऊपर बहुत बड़ा कलंक का धब्बा था जो मिट गया। क्या इन्हें ना जानने का कारण राजनीति है या मीडिया? कैसे इन लोगों ने राम जन्मभूमि के लिए इंटेलेक्चुअल और वैचारिक दोनों युद्ध लड़े जिसने कोर्ट का निर्णय पलट दिया? बाबा जी, इस समय जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके कारण दंगे फसाद होने का डर है। कैसे रात के अंधेरे में रामलला को राम जन्मभूमि पहुंचाया गया? कैसे ये लोग संत, विचारक, आंदोलनकारी, इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट हर बिरादरी से थे? कैसे पैर से आशीर्वाद देने वाले संत ने राजीव गांधी को मनाया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अयोध्या में आज जिस मंदिर को मूर्त रूप लेते हुए आप देख रहे हैं, इसके पीछे 495 वर्षों का संघर्ष है, असंख्य बलिदान है, असंख्य ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीवन खपा दिया मंदिर निर्माण में और उनके नाम तक भी आप नहीं जानते। संक्षेप में इन्हें गुमनाम नायक या अनसंग हीरोज कहा जाएगा। और उन्होंने ऐसा असंख्य षड्यंत्रों के मध्य किया। गुमनाम नायकों को जानने से पहले संक्षेप में कुछ षड्यंत्रों को जानते हैं। धनेश्वर मंडल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर थे। 1993 में इनकी एक पुस्तक आई जिसका नाम था अयोध्या आर्कियोलॉजी आफ्टर डिमोलिशन। इस पुस्तक में आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल, जिन्होंने अयोध्या में खुदाई और पुरातत्व के कार्य किए थे, जिनकी 1970 के दशक की खुदाई में पुराने मंदिरों के स्तंभ मिले, ये जानकारी थी। पर उनकी पूरी जांच को इस पुस्तक में झूठा बता दिया गया। इस पुस्तक को राम मंदिर के विरुद्ध प्रमाण के रूप में प्रयोग में लाया गया। मामले को लंबा खींचा गया और जब धनेश्वर मंडल कोर्ट में एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में प्रस्तुत किए गए तो उन्होंने वहां पर साफ कहा, मैं तो आज तक अयोध्या गया ही नहीं हूं, मुझे बाबर के बारे में थोड़ा बहुत पता है, कभी विवादित स्थान पर भी नहीं गया हूं मैं, और ना ही पत्थरों की मैंने कोई जांच की है। यह सत्य है कि मैं एक कम्युनिस्ट हूं और आर्कियोलॉजी मुझे दूर तक भी समझ में नहीं आती है। उन्होंने अयोध्या में हुई खुदाई के प्रमाणों को अपनी पुस्तक में गलत बता दिया ताकि मामला लंबा खिंच सके। और ऐसा कोई एक बुद्धिजीवी नहीं था, अनेक थे जिनके फैलाए झूठ सालों तक रामलला को टेंट में रखे रहे। 1991 में इतिहासकार आरएस शर्मा, एम आथर अली, डीएन झा और सूरज भान, इन्होंने हिस्टोरियंस रिपोर्ट टू द नेशंस को पब्लिश करवाया जिसमें लिखा गया कि यह बात झूठ है कि राम जन्मभूमि के नीचे एक मंदिर था जिसे तोड़ा गया। और यह झूठ 1850 के दशक में लोगों ने गढ़ा और उसके बाद से हम ये झूठे इतिहास को मानते आ रहे हैं कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर था। जब कोर्ट में गवाही की बारी आई तो इन्हीं लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला गया था कि 6 सप्ताह में रिपोर्ट दी जाए और इसके कारण हमने एक्सकवेशंस और आर्कियोलॉजी के प्रमाणों को देखा तक नहीं। आज आप प्रश्न पूछिए कि दबाव किसने डाला था इन विद्वान लोगों के कार्यों पर और जिसके कारण रामलला सालों तक टेंट में रहे। सुप्रिया वर्मा, जो कि कोर्ट में वक्फ बोर्ड की तरफ से गवाही देने आई थी एक आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में, वो कहती थी कि विवादित स्थान पर कोई मंदिर नहीं था, बल्कि वो ये कहती थी कि बाबरी के नीचे एक पुरानी मॉस्क थी। उन्होंने भी कोर्ट में एक्सेप्ट किया कि जब वो स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड था तो ये वहां नहीं गई, बल्कि वे अयोध्या गई ही नहीं कभी। इन्होंने अपना ओपिनियन प्रोफेसर सूरज भान और डी मंडल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बना दिया। ये वक्फ बोर्ड की आर्कियोलॉजिस्ट थी और इनका ये हाल था, और ऐसे ना अनेक थे जिनके कारण रामलला की प्रतिमा टेंट में थी, जिनमें हिस्टोरियन इरफान हबीब और रोमिला थापर प्रमुख रूप से आते हैं। परंतु ये वीडियोज हीरोज के बारे में है, ना कि विलन्स के बारे में, उन अनसंग हीरोज के बारे में जिनके कारण आज राम मंदिर बन पा रहा है। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है जिसमें नया आधुनिक बस स्टेशन, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, वंदे भारत ट्रेन, सीवर लाइन से लेकर अयोध्या के बाजारों का आधुनिकीकरण और सौंदर्यकरण, ये सब हो रहा है क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी अयोध्या पहुंच चुका है क्योंकि इन लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा AI के माध्यम से की जाएगी।
अयोध्या को एआई के माध्यम से ही वैदिक सस्टेनेबल सिटी भी बनाया जा रहा है। 2024 में एआई अयोध्या के साथ साथ पूरे फ्यूचर को बदलने वाला है, और इस फ्यूचर में दो ही तरह के लोग होंगे, एक वो जो एआई द्वारा रिप्लेस होने से डरेंगे और दूसरे वो जो एआई का यूज करके अपना करियर बनाएंगे। 17 जनवरी 2024 को एआई इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट करने के कारण गूगल ने भी हजारों लोगों को नौकरी से निकाला है। क्यों? क्योंकि कदाचित वो अपने प्रोफेशन में एआई यूज करना नहीं जानते थे। इसीलिए किसी भी प्रोफेशन में चैट जीपीटी या एआई सीखना अब आवश्यक हो चुका है, और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा 3 घंटे की वर्कशॉप चैट जीपीटी और एआई पर। वैसे तो ये पेड़ है, पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की प्रसन्नता में पहले 1000 यूजर्स के लिए बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, बस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपको क्लिक करना है। इनफैक्ट मैंने स्वयं ये वर्कशॉप अटेंड किया और फील किया कि चाहे टेक्निकल काम हो या मार्केटिंग सेल्स हो या एचआर या कोई फाउंडर ही क्यों ना हो, ये वर्कशॉप सबके काम आएगा। 6 लाख से अधिक लोग इस वर्कशॉप को ऑलरेडी ले चुके हैं और आप इसे फ्री में सीख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके और रजिस्टर करके। एआई निकट भविष्य का नायक होगा, पर राम मंदिर के वो गुमनाम नायक कौन थे वो आगे देखते हैं। बाबर के सेनापति मीर जाफर ने जन्मस्थान राम मंदिर को तोप लगाकर ध्वस्त कर दिया था, और उसके बाद कई बार हिंदुओं ने वहां मंदिर स्थापित करने का प्रयास किया परंतु विफल रहे। 1885 में महंत रघुवीर दास जी के थ्रू मामला कोर्ट में चला गया। डिमांड थी कि बाबरी ढांचे के बगल में ही राम मंदिर बनाने दिया जाए। कोर्ट ने अपील रिजेक्ट कर दी। अपील तो रिजेक्ट हो गई, पर लोगों की शिराओं में बसे राम विलुप्त नहीं हो पाए। 1921 में गांधी जी भी अयोध्या गए, पर राम मंदिर के विषय पर कुछ नहीं बोला। 1949, अब भारत स्वतंत्र हो चुका था और रामलला के मामले में अधिक कुछ नहीं हुआ था, और 22 दिसंबर 1949 की रात रामलला की प्रतिमा बाबरी ढांचे के सेंट्रल डोम में अवतरित होने की बात जन जन तक पहुंच गई। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी के लोग आज तक बोलते हैं कि मूर्ति अवतरित हुई थी। हिंदू श्रद्धालुओं का एक बड़ा जत्था आने लगा उस मूर्ति को प्रणाम करने। नेहरू जी ने मूर्ति को बाहर निकालने के आदेश दे दिए, पर डीएम नैयर ने उनके ऑर्डर्स नहीं माने। फिर नेहरू जी ने विवादित स्थल के द्वार बंद करा दिए, और वो द्वार अब वर्ष में मात्र एक दिन खुलते थे, उसमें भी केवल एक पुजारी पूजा करके आ जाता था। लेकिन इस मूर्ति के यहाँ अवतरित होने के कारण यह मामला फिर से कोर्ट में चला गया था, और इसी के कारण अंत में कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया। यदि यह मूर्ति ना आई होती तो राम मंदिर कभी ना बनता। परंतु अयोध्या का इतिहास बदल देने वाली 22 दिसंबर की वो रात किसी ने अपने रक्त से लिखी थी। अयोध्या में कड़ाके की ठंड थी, और एक साधु जो अक्सर 7-8 बजे तक सो ही जाया करता था, वो आज अपने हनुमानगढ़ी के टेंट में रात को जागा हुआ था। ये साधु पास के मंदिर में एक महंत भी था। इस साधु का नाम था बाबा अभिराम दास। इन्होंने अपने एक पुराने मित्र रामचंद्र दास परमहंस और एक निर्वाणी अखाड़े के साधु वृंदावन दास जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। ओरिजिनल प्लान था कि परमहंस और बाबा अभिराम दोनों हनुमानगढ़ी से बाबरी ढांचे पहुंचेंगे, और वहां वृंदावन दास जी उन्हें एक प्रतिमा देंगे, जिसे ये दोनों बाबरी ढांचे के सेंट्रल डोम में दीवार फांदकर स्थापित करके आएंगे, और यह कार्य इन्हें मध्य रात्रि से पहले पहले पूरा करना था, ताकि गार्ड की बदली से पहले ये काम पूरा हो जाए। परंतु बाबा अभिराम अपने मित्र परमहंस की बाट जोते रहे, वो नहीं आया। बाबा ने परमहंस के घर जाने का निर्णय लिया, परंतु परमहंस अपने घर में नहीं था। बाबा ने आसपास के लोगों से पूछा, पर उन्हें भी कुछ नहीं पता था। बाबा तुरंत अपने मंदिर पहुंचे और वहां अपने भाइयों से मिले। अपने भाइयों में सबसे बड़े युगल किशोर झा का हाथ पकड़कर कहा, मैं जा रहा हूं और हो सकता है कभी ना लौटूं। यह बोलकर बाबा मंदिर से निकल गए और बाबरी ढांचे के पास पहुंचे। वृंदावन दास जी वहां पर एक मूर्ति लेकर खड़े थे। बाबा ने मूर्ति हाथ में ली। बाबा दीवार कूद कर जाते हैं और बाबरी मस्जिद के सेंट्रल डोम में मूर्ति को स्थापित करके आते हैं। अगले दिन हजारों हिंदू श्रद्धालु अवतरित हुई मूर्ति के दर्शन करने आते हैं। बाबा दूर खड़े देखते रहते हैं, पर तभी क्षेत्र में दंगे जैसी स्थिति हो जाती है और एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर में 50-60 लोगों पर आक्षेप लगाया जाता है, और एफआईआर में बाबा अभिराम दास जी का भी नाम था, और उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया, परंतु बाबा का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। चलिए अब दूसरे नायकों की ओर बढ़ते हैं। 1980 का दशक तुष्टीकरण की राजनीति का था। शाहबानो केस में तुष्टीकरण किया गया, और उसके बाद 1986 में हिंदुओं की संतुष्टि के लिए विवादित स्थल के बंद द्वार खोल दिए गए, जिसे आज तक कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी गलती मानती है। अब तक विश्व हिंदू परिषद ने अपनी एक टीम का गठन कर लिया था, जो मात्र राम मंदिर बनवाने के लिए डेडिकेटेड प्रयास कर रही थी। गांव-गांव, नगर-नगर से
3 लाख श्री राम लिखी ईंटें अयोध्या लाई गई। लगभग 6 करोड़ लोग शिला पूजन के माध्यम से राम मंदिर मूवमेंट से सीधे रूप से जुड़े। यह आंदोलन एक जन आंदोलन बनने लग गया था। पर इन लोगों को जोड़ने और इसे जन आंदोलन बनाने का काम किसने किया? मोरपंथ पिंगले, जिनका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। यदि यह जन आंदोलन नहीं होता तो राम जन्मभूमि मुद्दा कभी नहीं सुलझता। मोरपंथ पिंगले राम जन्मभूमि आंदोलन के रणनीतिकार थे और श्री राम शिला पूजन, राम जन्मभूमि शिलान्यास, राम ज्योति आदि के मार्गदर्शक भी यही थे। पर इस दूसरे गुमनाम नायक का भी इतिहास कोई नहीं जानता। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास करने की घोषणा कर दी थी। राजीव गांधी फंसे हुए थे कि अब क्या करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि नहीं, शिलान्यास नहीं किया जाएगा, स्टेटस क्वो मेंटेन किया जाए। लेकिन फिर भी राजीव गांधी की सरकार ने शिलान्यास समारोह होने दिया। पर क्या राजीव गांधी ने यह समारोह ऐसे ही होने दिया या इसके पीछे भी किसी का हाथ था? तो विश्व हिंदू परिषद ने जब शिलान्यास का अनाउंसमेंट किया तो राजीव गांधी फंस गए थे। उन्हें और उनके होम मिनिस्टर बूटा सिंह को समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें रोकें या शिलान्यास को होने दें। तो राजीव गांधी मार्गदर्शन के लिए देवराह बाबा से मिलने गए। शिलान्यास की तय तिथि से मात्र 1 सप्ताह पहले राजीव गांधी ने देवराह बाबा से पूछा, बाबा क्या करूं? बाबा ने कहा, बच्चा हो जाने दे। राजीव गांधी ने फिर रोका नहीं और ये भी नहीं दिखाया कि वो इस इवेंट को होने दे रहे हैं। लोग सोचते रहे कि वीएचपी वालों ने ये समारोह कैसे कर लिया। पर देवराह बाबा का नाम कहीं गुम हो गया। पर ये मात्र 3 अनसंग हीरोज नहीं थे। हीरोज की और कहानी जानेंगे अगले अध्याय। चलिए मंदिर की कहानी को आगे लेकर चलते हैं। पर पीछे छूटा एक नाम तो रह ही गया, नाथ पंथ के महंत अवैद्यनाथ का, जिनका नाम आपने कदाचित ना सुना हो, पर इनका योगदान किसी से कम नहीं है। केवल महंत अवैद्यनाथ का नहीं, पूरे नाथ पंथ का, क्योंकि महंत दिग्विजयनाथ, जो कि महंत अवैद्यनाथ के गुरु थे, उन्होंने भी बहुत कार्य किया है राम मंदिर के लिए। वो जो 1949 में हजारों लोगों की भीड़ प्रकट मूर्ति को देखने के लिए आई थी, उस भीड़ को कौन लेकर आया था? महंत दिग्विजयनाथ ही लाए थे। और जो डीएम नायर, जिन्होंने नेहरू के ऑर्डर ना मानकर मूर्ति को बाहर ना निकालने का निर्णय लिया था, वो भी क्या ऐसे ही ले लिया था? महंत दिग्विजयनाथ और उनकी पब्लिक का डर था, इस वजह से वो डिसीजन नहीं हुआ था। पर महंत दिग्विजयनाथ से भी अधिक कार्य महंत अवैद्यनाथ ने इस मूवमेंट के लिए किया। महंत अवैद्यनाथ ने 1984 में श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन किया और जो भी छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस राम मंदिर के लिए कार्य कर रही थी उन सभी को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया। फिर 1984 में ही सीतामढ़ी बिहार से अयोध्या तक पद यात्रा की और लोगों को इस मूवमेंट से जोड़ा। ना केवल जोड़ा बल्कि लोगों को कहा कि वोट मात्र उसे दें जो सरकार राम मंदिर की बात करे। 1986 में जब राजीव गांधी ने बाबरी कॉम्प्लेक्स के द्वार खुलवाए तो आपको क्या लगता है, द्वार ऐसे ही खुल गए? महंत अवैद्यनाथ ने राजीव गांधी की सरकार को पूर्णतः घेर लिया था मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए। राजीव को पूरा मोमेंटम अपने अगेंस्ट लग रहा था, तब जाके मंदिर के द्वार खुले। और फिर 30 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद और 2 दिसंबर 1992 को कार सेवा इन्होंने ही लॉन्च की। अपने अंतिम दिनों में इन्होंने मौन धारण कर लिया, पर जब भी बोलते तो मात्र राम मंदिर के बारे में पूछते। पर इनका नाम इतिहास में कहीं गुम हो गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी, लोग उनसे जुड़ रहे थे, अयोध्या में श्री राम लिखी हुई ईंटें आ रही थी और आंदोलन अपने चरम पर था। आडवाणी जी को अरेस्ट कर लिया गया था और कार सेवा होनी थी अक्टूबर 1990 में। फिर कार सेवा के लिए लोग अयोध्या पहुंचे, कार सेवकों पर गोली चली, न जाने कितने कार सेवक मार दिए गए। आप लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। बर्बरता इतनी थी कि कार सेवकों के मृत शरीरों में 7-7 गोलियां मारी गई, उन्हें बोरी से बांधकर सरयू नदी में फेंक दिया गया। परंतु अनेकों पार्थिव शरीर रक्त रंजित सड़कों पर पड़े हुए थे, कुत्ते उन्हें खाने का अवसर ढूंढ रहे थे, परंतु एक 4 फीट का बूढ़ा साधु पूरी रात एक लाठी लेकर सड़क के इस किनारे से उस किनारे तक भागता फिर रहा था और कुत्तों को भगाता फिर रहा था ताकि उन पार्थिव शरीरों की पवित्रता बनी रहे। इन बूढ़े साधु का नाम था स्वामी वामदेव। इन्होंने ब्रज क्षेत्र में आंदोलन में जान फूंक दी थी और कार सेवकों के बलिदान को देखकर इन्होंने घोषणा कर दी थी कि रक्तपात अब होगा, जिससे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हिल चुकी थी। नरसिम्हा राव स्वामी वामदेव से मिलने का प्रयत्न कर रहे थे, स्वामी वामदेव उन्हें अवॉइड कर रहे थे। फिर जाकर जब वो मिले तो नरसिम्हा राव ने स्वामी वामदेव को कहा
आप वीएचपी से हट जाओ। स्वामी जी ने कहा, राम मंदिर दे दो, वीएचपी अभी छोड़ दूंगा। और नरसिम्हा राव ने स्वामी जी को कथित रूप से कह दिया, ठीक है, फिर राम मंदिर दिया। अभी मैंने बताया कि कार सेवकों की बाढ़ अयोध्या में देखी जा सकती थी, वो भी तब जब मुलायम सिंह यादव ने कथित रूप से घोषणा कर दी थी कि कोई परिंदा भी अयोध्या में पर नहीं मार सकता। दावे परिंदे तक को रोक देने के थे, पर हजारों लोग अयोध्या में आ रहे थे। कैसे? तो एक पूर्व आईएएस ऑफिसर, वो थे इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड, 1984 में रिटायर हुए श्रीश चंद्र दीक्षित। इनके सर पर कार्यभार था असंभव को संभव करने का। प्लान्स बनाए गए, लोग लखनऊ तक पहुंचे और वहां से अनएक्सप्लोर्ड रूट्स, जहां पुलिस नहीं हो सकती थी, उन रास्तों को खोजा गया। कार सेवकों का कहा गया कि लखनऊ से अयोध्या पैदल आना होगा। छोटे छोटे ग्रुप्स में 6 दिन पैदल चल के लखनऊ से लोग अयोध्या पहुंचे। बड़े बड़े लीडर्स को भेष बदल कर ही आने को कहा गया था। इसलिए उमा भारती के सर से उस समय बाल गायब हो गए थे। आचार्य धर्मेंद्र एम्बुलेंस में डॉक्टर बनकर आए थे। और कुछ ऐसे असंभव को संभव कर दिया गया, पर श्रीश चंद्र दीक्षित, इनका नाम कहीं खो गया। पर यह लिस्ट और कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है, इसे जारी रखेंगे अगले अध्याय में। राम भक्तों के रक्त से सरयू लाल थी। मुलायम पर आरोप थे कि मात्र पुलिस ने नहीं, मुन्नन खान के लोगों ने भी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई है। ये जानकारी आई थी कि मतलब यूपी पुलिस मना कर दी थी, तो कोई बाहर से पुलिस बुलाई गई थी मारने के लिए खास तौर पे, आपको पता चला था? काफी तो बाहर के थे, काफी प्राइवेट के थे। प्राइवेट और प्राइवेट नहीं थे तो ये क्या थे जो हेलीकॉप्टर से गोली चली? ये तो सब मुन्नन खान के आदमी, उस समय जनता भी जा रहे थे। मुन्नन खान के आदमी तो रहे होता है, मुन्नन खान रहे, कौन उसमें हेलीकॉप्टर देख रहा था? लोगों को राम भक्ति के लिए अरेस्ट किया जा रहा था। पूरे संविधान में ऐसा कोई एक्ट नहीं कि राम भक्ति कोई अपराध है, पर पुलिस अपने सर्टिफिकेट पर बंदियों को लिखकर दे रही थी कि तुम्हें राम भक्ति के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। फिर चुनाव होते हैं और मुलायम की सरकार गिर जाती है और भाजपा के कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं। एक बार फिर कार सेवा की जाती है और इस बार कार सेवकों पर गोली नहीं चलवाई जाती, बल्कि कार सेवक बाबरी ढांचे को गिरा देते हैं और कल्याण सिंह इसका पूरा ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर तो इंक्वायरी होनी है, तो हम मेरे खिलाफ करो और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर मुझे दो। इसके बाद कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं और कहते हैं, नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। बीजेपी की उस समय 4 राज्यों में सरकार थी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, और चारों स्थानों पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, बीजेपी की सरकार गिरा दी जाती है। कल्याण सिंह और भाजपा के इस बलिदान को तो हम और आप फिर भी जानते होंगे, पर दूसरी ओर दाऊ दयाल खन्ना, उनका नाम हमने नहीं सुना होगा। दाऊ दयाल खन्ना वो हैं जो उत्तर प्रदेश में पहले तो कांग्रेस के विधायक थे, फिर कांग्रेस के यूपी मिनिस्ट्री का हिस्सा थे और वो यूपी के हेल्थ मिनिस्टर भी थे। और जब उन्होंने देखा कि उनकी पार्टी राम मंदिर को कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन्होंने अपना पद और अपनी पार्टी दोनों छोड़ दिए। पद छोड़कर उन्होंने अपना जीवन राम मंदिर के लिए समर्पित कर दिया, अनेकों लोगों को आंदोलन के लिए जोड़ा। कल्याण सिंह का समर्पण लोगों को पता है, पर दाऊ दयाल का नहीं। और ये सूची इन दो भाइयों के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती। 1990 में जब 30 अक्टूबर को राम जन्मभूमि पहुंचने का आदेश था, तो 2 लड़के जिनकी अभी दाढ़ी भी ढंग से नहीं आई थी, वो कलकत्ता में आरएसएस से जुड़ चुके थे। दोनों भाई देश और धर्म के लिए कुछ करना चाहते थे। एक 20 वर्षीय शरद कोठारी, दूसरा 22 वर्षीय राम कोठारी। दोनों 22 अक्टूबर को अपने निवास स्थान से निकले और उनको कार्यभार सौंपा गया कि कलकत्ता से एक टीम जो कि 69 लोगों की है, उसको विवादित स्थान तक लेके जाना है। वो अपनी टीम के साथ कलकत्ता से बनारस तक ट्रेन में पहुंचे। ट्रेन से उतरकर अयोध्या से 200 किलोमीटर पहले कोल्हापुर, वहां तक टैक्सी ली गई और फिर वहां से अज्ञात गलियों से होते हुए पैदल अयोध्या तक का रास्ता तय किया। उनके साथियों ने उनके सर पर बंधा एक भगवा रंग का कपड़ा देखा, जिसके पीछे लिखा हुआ था कफन। वो अपनी टीम के साथ 30 अक्टूबर को संध्या 4 बजे विवादित स्थान पर पहुंचे और उनका स्वागत लाठीचार्ज, टियर गैस और ब्लडशेड से हुआ। फिर वो 2 नवंबर को रामधुनि कीर्तन करने गए, जहां पुलिस ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चला दी और दोनों भाई
अपना रक्त केसरिया कर गए। पर ये अनसंग हीरोज केवल आंदोलन में शौर्य दिखाने वाले नहीं थे, कई ऐसे थे जिन्होंने अपना मस्तिष्क ऐसा चलाया कि कोई उनकी काट नहीं कर पाया। चलिए उन्हें भी जानते हैं। ये केवल कुछ नाम थे जिनका योगदान अद्भुत था, जिन्होंने इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाया, परंतु कभी भी लोग इनके इस योगदान को जान नहीं पाए। इनके अलावा बहुत से स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स थे जिन्होंने ऐसे ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए जो अकाट्य थे, जिससे राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। डॉक्टर स्वराज प्रकाश गुप्ता उनमें से एक थे। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। दिसंबर 92 में जब विवादित ढांचे को गिराया गया तो मलबे में से 5 फुट लंबा, 2 फुट चौड़ा और 2.5 फुट मोटा एक पत्थर मिला, जिस पर संस्कृत भाषा में 20 लाइंस लिखी हुई थी, जिसे आज हम विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता ने इसे पढ़ने में अहम भूमिका निभाई, जिससे पता चला कि ये फ्री फ्लोइंग संस्कृत में लिखा था और यहाँ एक लाइन में एक यशस्वी भव्य विष्णु हरि मंदिर के बारे में लिखा था जो अनेकों पत्थरों से बना था और जिसका शिखर सुनहरा था। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने फैलाना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर गुप्ता झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने ये इंस्क्रिप्शंस प्लान करवाए हैं, पर डॉक्टर गुप्ता लड़ते रहे और अंत में विष्णु हरि इंस्क्रिप्शंस राम मंदिर कोर्ट केस के लिए निर्णायक साबित हुए। एक अन्य हिस्टोरियन थे डॉक्टर हर्ष नारायण। इन्हें संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन तीनों भाषाओं का पूर्ण ज्ञान था। अब अधिकांश उर्दू और अरेबिक लाइब्रेरीज इस्लामिक संस्थाओं के कब्जे में थी, जिन्होंने पुराने सोर्सेज और किताबों को छुपाना शुरू कर दिया था। डॉक्टर हर्ष नारायण के घुसने तक पर रोक लगा दी गई थी, पर इस सब के बाद भी डॉक्टर हर्ष नारायण ने अनेकों इस्लामिक सोर्सेज को अरेंज करते हुए प्रमाणित किया कि विवादित स्थान पर मंदिर था जिसे तोड़ा गया। एक उदाहरण देखते हैं। डॉक्टर हर्ष नारायण अल हिंदू फी अल अहद अल इस्लामी निकाल कर ले आए, जिसके इंट्रोडक्शन वर्क में ही लिखा था कि इस मध्य बाबर ने पवित्र अयोध्या में एक महान स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ विश्वास के अनुसार श्री राम ने जन्म लिया था, बाबर ने यहाँ इनके मंदिर को तोड़कर एक ढांचे की स्थापना की। और ये मात्र कोई एक उदाहरण नहीं था, ऐसे अनेकों उदाहरण डॉक्टर हर्ष नारायण लेकर आए और ये उन्होंने अपनी पुस्तक द अयोध्या टेम्पल मॉस डिस्प्यूट में भी मेंशन किए हैं और ये कोर्ट के निर्णय पर बहुत प्रभाव छोड़ कर गए। एक और हिस्टोरियन बी आर ग्रोवर, जिनकी स्पेशलिटी थी मुगल पीरियड की लैंड ओनरशिप पैटर्न रिकॉर्ड्स एंड टैक्सेशन। कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश सरकार ने जब विवादित ढांचे के आसपास की भूमि को एक्वायर किया और काम चालू किया तो डॉक्टर ग्रोवर ने वहां 2 सप्ताह तक कैंप लगाया था और इन्हें राम जन्मभूमि के दक्षिण और पूर्व में लार्ज फ्लोर एरियाज मिले जो कि प्री इस्लामिक पीरियड के थे। बी आर ग्रोवर ने इन्हें फोटोग्राफ करवाया और रिपोर्ट्स भेजी और ये रिपोर्ट्स ही बाद में इस क्षेत्र में आर्कियोलॉजिकल स्टडीज का कारण बनी। इसी श्रेणी में के मोहम्मद का नाम भी आता है, जिन्हें आप सब जानते हैं। मंदिर निर्माण की राह में अनेक संकट आए, षड्यंत्र किए गए, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा भी किए गए, परंतु उनका सटीक उत्तर दिया गया राष्ट्रवादी इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। बड़ी बात ये कि इन लोगों ने कभी अपना श्रेय लेने का प्रयास भी नहीं किया। कदाचित असली नायक केवल कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं। पर क्यों नहीं मिल पाया इन नायकों को इनके हिस्से का यश, वो आगे देखते हैं। आखिर क्यों इन लोगों को अनसंग हीरो या गुमनाम नायक कहा गया है इस वीडियो में? क्योंकि इनके किए गए कार्यों से आज राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ है, परंतु इनके नाम भी कोई नहीं जानता। श्रेय देने का या अपयश देने का, ये काम मीडिया का होता है या फिर सरकारों का होता है। मीडिया और सरकारों ने किसे यश या अपयश दिया? स्क्रीन पर ये समाचार पत्र का लेख देखिए। मीडिया ने रथ यात्रा या बाबरी प्रकरण, इसका विवरण इस प्रकार किया कि जो राजनीति में थे उनके प्रति ऐसे सेंटीमेंट्स आने लगे। This cannot be expected in a civilized country to break something just like this. I think it's really shameful for all Indians. बाबरी ढांचे के गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी की 4 राज्यों की सरकारें गिरा दी गई, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल थे, और लोगों में ये सेंटीमेंट्स आ गए थे। कांग्रेस आई ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है, ऐसा करके इसको बीजेपी को ही बेनिफिट हुआ है। उनकी सरकार बेशक गिरी है लेकिन उन्हीं को बेनिफिट हुआ है और आगे इलेक्शन में इसका पता लग जाएगा।
पर बीजेपी के गवर्नमेंट्स को जो डिसमिस किया गया है दैट इज डेफिनेटली नॉट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। ये गवर्नमेंट ने बहुत गलत स्टेप उठाया है। ऐसे में यश भी राजनेताओं को मिला और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राजनेताओं को श्रेय नहीं जाना चाहिए था, उनका अपना योगदान है, मुख्य रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं का, विश्व हिंदू परिषद का या बीजेपी का, परंतु नेताओं की अपनी राजनीति भी है। 2014 में सरकार बनाने के बाद सबसे अधिक यश नरेंद्र मोदी को मिला, मिलना भी चाहिए, परंतु जब यश किसी राजनेता को मिलता है तो बाकी सब धुंधला पड़ जाता है। और ये वीडियो मात्र इसीलिए बनाया गया है ताकि उन गुमनाम लोगों को भी श्रेय मिले जो इस पूरे मूवमेंट के नायक रहे हैं। कैसा लगा यह प्रकरण आप हमें कमेंट्स में बताइए। इन गुमनाम हीरोज की कहानी को शेयर अवश्य करिए जिनके कारण आज राम जन्मभूमि आंदोलन प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंच चुका है। और हाँ, जाने से पहले एक और बात, करियर को 10 गुना रफ्तार देनी है तो AI और चैट GPT सीखिए। 3 घंटे की चैट GPT और AI वर्कशॉप से जो फ्री है पहले 1000 लोगों के लिए। रजिस्टर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।